आपने सवाल किया कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से दो आदमी थे, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको बनाया, तो मैंने कहा बेगूसराय की यही खूबसूरती है, इसी का नाम बेगूसराय। क्योंकि आप लोकतांत्रिक कह रहे हैं तो लोकतांत्रिक रूप से ही करना होगा। एक मिनट में किए धर बनाने की जरूरत भी नहीं। यहाँ तमाम अध्यक्ष बैठे हुए और पुराने मुखिया जी भी बैठे हुए, इससे पहले अरविंद दास 2001 से मुखिया जी बैठे हुए। मुखिया संघ का नियम है जो निवर्तमान अध्यक्ष ही मुखिया संघ का बैठक बुलाएंगे, निवर्तमान अध्यक्ष मुखिया संघ के बैठक बुलाएंगे और उनके अध्यक्षता में मुखिया संघ का गठन होगा। चुनाव जो आदमी हो, चुनाव जिनका हो जाए सर्वसम्मति, और 30 तारीख के मुखिया संघ का गठन का बैठक बुलाया गया मेरे द्वारा, और 18 मुखिया जी को इसकी सूचना दी गई है, तो फिर 29 तारीख को 6 आदमी बैठ के मुखिया संघ का अध्यक्ष आपको कैसे चुनती है? इस वीडियो के सह प्रायोजक है अरुण ऑटो सर्विस, जहां ई रिक्शा की दुनिया में मयूरी की अलग पहचान, एकमात्र मयूरी का बेगूसराय में एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां मिले सस्ते फाइनेंस में ई रिक्शा, तो ले जाइए सस्ते दर में अपने सपनों की मयूरी रिक्शा, कहां तो गौरा 1 NH 28 बेगूसराय। तो आज ही आए और सस्ते दर में फाइनेंस करके ले जाए मयूरी ई रिक्शा अरुण ऑटो सर्विस से। कई घंटों की माथा पच्ची के बाद अब जिला मुखिया संघ बेगूसराय के वर्तमान सभी नए पद पर आ चुके हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तमाम जितने भी पद हैं, माथा पच्ची करने के बाद देख सकते हैं कि सभी ने फैसला लिया और यहाँ पर चुना कि अब कौन बनेगा नया अध्यक्ष, जो कि बेगूसराय जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष होगा। और देख सकते हैं कई क्षेत्र से, पूरे बेगूसराय के क्षेत्रों से तमाम लोग आए थे और सबों ने एक स्वर से डंडारी प्रखंड के मुखिया और डंडारी प्रखंड के पंचायत राज ग्राम कटहरी के मुखिया को अपना अध्यक्ष के रूप में इस बार सामने आए हैं, जो कि एक अल्पसंख्यक से इकलौते, मुझे लगता है पहली बार शायद कोई मुखिया संघ का अध्यक्ष बना हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि यही एक हिंदू और मुस्लिम और बेगूसराय की एकता की मिसाल है, जहां जाति और धर्म से उठकर यहां पर सभी ने फैसला लिया। और देख सकते हैं लोग यहां बैठे हुए हैं और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सभी खींचातानी के बाद अब फैसला हो गया है और नए सभी पदभार लोग आज यहां पर सभी को सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन क्या क्या पद किनको मिलो मिला है। डंडारी मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अहसन साहब को जिला अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुन लिया गया, जिसको सदन ने सवाल मनोती मानकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। अब सदन ने उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से भगवानपुर प्रखंड के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह जी को और दूसरा उपाध्यक्ष चरिया बरियारपुर के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार जी को चुना गया। फिर महासचिव पद के लिए नावकोठी के प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रपति कुमार जी को, सचिव पद के लिए बरौनी प्रखंड के अध्यक्ष सम्मानित मुखिया जी संजू कुमारी जी को, मीडिया प्रभारी के लिए मटिहानी के प्रखंड अध्यक्ष मुरारी बाबू को, जिला प्रवक्ता के रूप में सदर प्रखंड अध्यक्ष महेश राय को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। और इजहार साहब जो मंसूर चक के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनको कोषाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से चुना गया। प्रवक्ता तो महेश राय बोले थे, बोले अपना बोले। अब एक पद बचा हुआ है संयोजक। जिला मुखिया संघ बेगूसराय के
नव निर्वाचित अध्यक्ष जी आज हमारे बीच हैं, जो कि डंडारी प्रखंड के मुखिया हैं, जो कि ग्राम कटहरी के मुखिया हैं। सर, माथापच्ची होने के बाद, इतनी माथापच्ची होने के बाद मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर चूज कर लिया गया है अध्यक्ष के रूप में। देखिए, ओप न्यूज को बहुत बधाई कि आप हमारा पार्टी लेने के यहाँ पर आए हुए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, कोई भी संगठन जब बनता है, बड़ा संगठन है, जिला बहुत बड़ा है, इसकी एक सीमा समस्तीपुर में मिलती है, दूसरा पटना में, तीसरा खगड़िया में, और मुखिया जो भी होते हैं सब जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही मतलब समझिए कि संघर्ष के बाद कोई मुखिया बनता है, उसके बाद फिर मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष, फिर अब जिला अध्यक्ष, थोड़ा बहुत माथापच्ची तो होता ही है। जो भी हुआ सर्वानुमति से हुआ, सर्वसम्मति से हुआ, सभी लोग प्रेम से बैठ के सभी पदों पर चुनाव हो गया, कहीं कोई विवाद हम लोगों ने आपस में है। मैंने कहा कि बड़ा जिला का चुनाव था तो थोड़ा बहुत माथापच्ची तो स्वाभाविक रूप से होता है। बहुत सारे मुखिया जो बेगूसराय में हैं, भारी संख्या में, लेकिन अल्पसंख्यक समाज से बहुत कम थे, लेकिन आप एक उभर कर आगे आए हैं। ये देखिए, बेगूसराय की यही खूबसूरती है, इसी का नाम बेगूसराय। पूरे देश में हम जब कलेक्टर के पास मीटिंग में रहते हैं, कई बार SP रहते हैं, हम बोलते हैं कि बेगूसराय सांप्रदायिक सौहार्द में पूरे देश में अपने आप एक मिसाल है, बेमिसाल जगह है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, आपको लगता है कि भी इनके यहाँ शादी होता है तो हम लोग जाते हैं, श्राद्ध में जाते हैं, मेरे यहाँ शादी होती, एक दूसरे के दुख सुख में सब लोग रहते हैं, और मेरा चुना जाना इस बात का फिर एक बार साबित हो गया कि बेगूसराय सांप्रदायिक सौहार्द में पूरे देश में एक मिसाल है। आज का चुनाव ने फिर से साबित कर दिया, हम तो अकेले थे, एक अध्यक्ष या दो थे, बड़ी खुशी की बात है। हम तमाम लोगों के प्रति दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपको बतलाना चाहते हैं कि बेगूसराय की यही खूबसूरती है, जिस खूबसूरती को आपने अभी देखा, आपने सवाल किया कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से दो आदमी थे लेकिन फिर भी लोगों ने आपको बनाया, तो मैंने कहा बेगूसराय की यही खूबसूरती है, इसी का नाम बेगूसराय। और ये जो शमा, जो मसाल बेगूसराय ने जलाया है, ये धीरे धीरे राज्य के अनेक कोनों में जाएगा, और जो गंगा जमनी तहजीब हमारी है, हम पैगाम अमन कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता का काम करते हैं, और हमको एक जवाबदेही यार मिला है मुखिया संघ का, जिला मुखिया संघ का। हम देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ, मोहब्बत के साथ, और मोहब्बत की एक फिजा बनाएंगे पूरे जिला में, जो आप भविष्य में देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं नए नवनिर्वाचित जिला संघ के अध्यक्ष बने हैं, और सबसे बड़ी बात, अल्पसंख्यक समाज में इकलौते जो कि मुझे लगता है कि मुखिया के चुनाव में बहुत कम उम्मीदवार आए होंगे, लेकिन ये अल्पसंख्यक समाज से हैं, और साथ में डंडारी ग्राम कटहरी के मुखिया हैं, और इनको यहाँ पर जिला संघ अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी का फॉर्ब न्यूज़ में लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में, तक तक करें आप हमारे चैनल जुड़े जिसका नाम है फॉर्ब न्यूज़, ताकि हम ऐसे ऐसे खबर लाते रहें। इसी के साथ नमस्कार। अमरजीत बाबू।